हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। देखे तो मेरा हुजराएजाद या सभी कुछ वो था जो था ही नहीं, ना रही पार्टी सदारत भी रास्ता और कोई था ही नहीं। जाने कहां गए वो दिन जब थी हुकूमत केसेस के बिन, ढोल माइया हले भी ना टूटा के स्कूल माइया। क्या करे आदमी, तशरीफ ला रहे वासे चौधरी। मजाक रात को देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज तो आप मैचिंग करके आए मेरे से। लेकिन आपने भी शर्ट क्या पहनी? नहीं सर, आज उन्होंने जो वेस्टकोट पहनी है वो है बस। इसका शेड आपकी शर्ट पे आ रहा है। अरे वाह, तुसी दोवें स्टेशन ते चले जाओ, ट्रेन रोकनी जे तुसी हुण। लेकिन वाजिब भाई नहीं करते, सच्ची मुच्ची बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। मगर जो भी हो, आज खास तालियां होनी चाहिए हिना के लिए जो 14 अगस्त मना रही है अकेले। वास्ते ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पहन के। मतलब उन्होंने वेकड़ी ना रहा होना। आप हमेशा जेलस होते रहते हैं मेरे कपड़ों से, मतलब क्यों? इसलिए कि मुझे ये पूरे नहीं आते, इसलिए मैं जेलस होते रहता हूं। मी हूं। अच्छा, अब क्या कर क्या रहे हैं, इतने स्मार्टू होते जा रहे हैं। स्मार्टू जहन से भी स्मार्ट है, वैसे भी स्मार्ट है। स्मार्टू क्या होता है? स्मार्टू मीन ये इंग्लिश का लफ्ज़ आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तुसी अठवीं जो नसे जे। अब देखो बीए कीता, एमए कीता, मैमे कीता। नहीं नहीं, है तो समझदार आदमी, बड़े पढ़े लिखे हैं जी, बहुत। एक दफा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो दो दोस्त थे, अचानक एक दोस्त कहने लगा मेरा ख्याल है कि इंजन के रास्ते निकल चलते हैं। दूसरे कहने नहीं नहीं नहीं, डिग्गी के जरिए निकलते हैं। अच्छा। इन्होंने कहा मेरी बात सुनो, निकलना है जल्दी निकलो, क्योंकि बारिश होने वाली है और गाड़ी की छत नहीं है। लेकिन दिल हर बंदे का रख देने, माशाल्लाह नरम दिल देने। एक लड़की नूं कहंदे कि आपकी आंखें बहुत प्यारी है, वो कहती छोड़ो ना। अगो कहंदे आपके बाल बहुत प्यारे हैं, छोड़ो ना। आपका रंग कितना सफेद है, अगो कुड़ी कहंदी अब छोड़ो भी ना, ते ओनू कहंदे इतनी देर से छोड़ ही रहा हूं। इन्हां दी मंगनी होई सी। अच्छा जी, भाभी इन्हां नूं कहंदी बस शादी के बाद मैं आपके सारे दुख बांट लूंगी। वे कहंदे मैनूं दुख ही कौन नहीं, कहंदी मैं शादी तो बाद दी गल कर रही हां। कारोबारी बहुत ने। अच्छा जी, इन्होंने पोल्ट्री फार्म खोलिया ते चेक करने वाले अफसर आ गए ने। अफसर ने एक बंदे नूं पुछिया तुसी मुर्गियां नूं की पांदे, ओह कहंदे जी मैं चावल पाना, कहंदे गलत खुराक इन्हों अंदर कर दिओ। एक नूं पुछिया तू की पाना, कहंदे जी मैं बाजरा पाना, कहंदे गलत खुराक इन्हां नूं अंदर कर दिओ। एक घबरा गए ने अफसर, इन्हां नूं कहंदा तू की पाना, कहंदे जी मैं मुर्गियां नूं 20 रुपए दे देना, जो मर्जी खा लो। क्या बात है, लगता है आप लोग बहुत मूड में आज। आज बहुत सर। जी सर, आज पूरी तैयारी में है सर। तो फिर आपके लिए मेहमान बुलाते हैं हम, ताकि आप हम सब का मजा भी दुबला कर दें। हमारे पहले मेहमान जो है ताल्लुक है उनका तहरीक इंसाफ से, और है ना आप खुश हो जाएं क्योंकि आ रहे हैं मियाँ वाली से, वो खास तौर पे आए हैं हमारे आज के प्रोग्राम के लिए। जनाब मैंने फ्रॉम पीटीआई फ्रॉम मियाँ वाली, आप सबकी तालियों में जनाब अमजद अली खान न्याजी। साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान एक एक्ट्रेस जिन्होंने तालीम हासिल की टेलीविजन और थिएटर की, और उसके बाद इस फील्ड के अंदर आई, आप सबकी तालियां, मोहतरमा ज़ैनब अहमद। इलेक्शन के मौसम आ गए हैं, बैलेट बॉक्स भी घबरा गए हैं। वोट डलेगा किसको और निकलेगा किसका, वोट डलेगा किसको और निकलेगा किसका, बस यही बताने के लिए जैनब जी और नियाजी साहब आ गए। सर
मेरा शेर आज न्याजी साहब के लिए पीटीआई का शेर है। पीटीआई का शेर। मैंने उसे जितनी भी वफा की उसने उतनी ही बेवफाई की। क्या बात है, जबरदस्त। मैंने उससे जितनी वफा की उसे उतनी ही बेवफाई की है। इस मर्तबा बनी गाला कितनी सलामी दी है। जो लाइफ होती है उसमें उतार चढ़ाव जिंदगी का जो है, दुख और सुख, खुशियां और हंसी गम जो है, ये एक मिक्सचर होता है। तुसी जीत के खुशियां मनाओ, तुसी हार के मनाई जांदे जे। देखें, हार और जीत दोनों जिंदगी के साथ साथ चलती है। अच्छा जी, तो ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती है इंसान के ऊपर। इमरान खान साहब ने इन इलेक्शन से पैसे नहीं लाए जिन्हें वाजे वाले देते। खान साहब का गढ़ जिसे कहते हैं, और आखिरी शहर भी है तकरीबन वो पंजाब का, उसके बाद केपी शुरू हो जाता है। तो बड़े कम एमएनए नजर आते हैं हमें पीटीआई के जो के पंजाब के अंदर हों। तो अकेला फील करते हैं कभी कभी आप? नहीं, आप जो साथ हैं। मैं? अच्छा, तुझी को उत्ती हुंदे हो? नहीं नहीं, मैं तो इत्थे हूं ना। सर मुझे ये बताएं कि मियांवाली के बारे में एक जो पॉलिटिकली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगती है कि खान साहब की वो होम ग्राउंड, और खान साहब वहाँ से इलेक्शन हार गए थे बिकॉज खान साहब ने सीट दी, और उस पर बड़ा फड्डा भी हुआ था 2013 के अंदर कि देनी किसी और को थी या कोई और एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनको मिल जाएगी, और खान साहब ने किसी और को दे दी, और इस चक्कर में नून लीग वाले जीत गए वहाँ से। देखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारी डिबेट भी हो चुकी है, और आपके इल्म है कि जब वो स्टार्ट था 2013 के इलेक्शन के बाद, जब हम नेशनल असेंबली में हमने बात की कि किस तरीके के साथ इलेक्शन प्रोसेस है और इस प्रोसेस को किस तरह रोकना है, धांधली का मसला था, बहुत सारी रिगिंग थी, गवर्नमेंट थी, और उन्होंने जो कुछ मियांवाली के अंदर किया वो भी तारीख का हिस्सा है। मैं उस इलेक्शन कम्पेन का इंचार्ज भी था, और आपके इल्म होना चाहिए कि जो कुछ वहाँ पर हुआ, और वो खुद उन्हें नहीं, जो जीतने वाला है उसे खुद नहीं पता था कि मैं जीत रहा हूँ। इस वक्त के हालात के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए, खान साहब खुद लड़ रहे हैं ना। अच्छा, खुद इस बार आएंगे मियांवाली से? मियांवाली से खुद लड़ रहे हैं, खुद बजाते खुद इमरान खान साहब खड़े होंगे। चलिए, ये तो मियांवाली के लिए एक अच्छी खबर है। कराची से भी लड़ रहे हैं, मियांवाली से भी लड़ रहे हैं, लाहौर से भी लड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान से, पूरे पेशावर से भी कर रहे हैं। फिर वही बात सर, के चार जगह में से एक पिंडी तो खैर उनकी सीट थी, होपफुली वहां से भी वो दोबारा कंटेस्ट करेंगे जो उनको एक सीट मिली हुई थी। तो ये 5-6 हल्के हो गए, तो अब खान साहब आखिर में रिटेन तो एक ही कर सकते हैं, फिर 4 जो हैं खाली करेंगे, वो अजीब सी स्ट्रैटेजी नहीं है वैसे? नहीं, देखिए, आपने जिस सूबे के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आपने एक मैसेज देना होता है कि हम उसकी आवाम के साथ खड़े हैं, उस सूबे की आवाम के साथ। तो फिर क्वेटा भी जाए ना? देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी। नहीं, मगर आपके ख्याल में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाएं तो कोई मजाक का नहीं है। पेशावर, लाहौर, कराची हो गए तो क्वेटा भी। देखिए, बात यह है कि देखिए, आपने एक खान साहब की जो शख्सियत है वो एक स्टेटमेंट की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। साउथ एशिया में उसके आप देख लें फॉलोइंग जितनी है। अगर खान साहब स्टेट बैंक है तो इसहाक डार साहब क्या होंगे? इसहाक डार साहब तो अभी वर्ल्ड बैंक है, वो तो बिस्तर पे पड़े हैं। नहीं, और अभी तक वो उनके जो सर्टिफिकेट आ रहे हैं। देखिए, अब आप ये खुद बैंकों वाली बातें कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा कि एटीएम का क्या हाल है तो आप माइंड कर जाएंगे। नहीं, आप पहले उनकी एटीएम का पता करें। उनके एटीएम कौन है आज बताए तो सही ना, कभी ना कोई बोलता पीटीआई में से एटीएम निकल आती है, लंदन से एटीएम निकल आती है। वो तो खुद वो तो उन एटीएम्स की बात करें जो उन्होंने खुद लगाई हुई है, जो मिलती हैं वो वाली की बताएं ना। वो आप मुझे बता दें। सर मैं कहां से, आप एमएनए, आप बताएंगे? नहीं, आप बताएंगे, आप पीटीआई के अंदर आप बताएं कि उनका जहांगीर तरीन कौन है, मुझे बताएं। आज चीमा भी निकल आया है। चीमा एटीएम है? वो भी तो एटीएम कैसी है? वो सिर्फ मशीन है। जैनब, एक्टिंग तो लोग आराम से कर लेते हैं, आपने खास तालीम हासिल की एक्टिंग की? आई थिंक एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक मैं अभी तक सीख रही हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती। सीखने का अमल तो चलता है, मगर ये कोई खास प्लान का हिस्सा था कि पहले आपने पढ़ाई करनी है, पूरी 4 साल की डिग्री लेनी है एंड देन यू गोइंग टू कम इनटू दिस? पहले मैंने थिएटर शुरू किया था। पहले थिएटर शुरू किया था? 14 साल की उम्र में मैंने थिएटर शुरू कर दिया था। ठीक है। फिर वहाँ से मुझे चस्का लग गया एक्टिंग का। ठीक है। और मैंने सोचा की इसमें मजीद तालीम हासिल करनी चाहिए। फिर उन्होंने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद तालीम हासिल होती है।
तो फायदा हुआ है इस डिग्री का या नहीं? नहीं. डिग्री का फायदा नहीं हुआ क्यों? Because unfortunately हमारे यहाँ proper acting schools नहीं है. What I studied was theater, film and television studies. That was a very theoretical degree and a very technical degree. लेकिन acting per se unfortunately मुझे सही तरह से सीखने का मौका नहीं मिला. जानत सब छोड़ दो, हम अपनी जिंदगी कहीं और बसर करते हैं. चल मतलब कि आप एक्टिंग छोड़ के कहीं शादी कर लो, मैं कहीं और कर लेता हूँ. आप ये कहाँ से बीच में आ गए, हम कहाँ से आ गई बात बीच? सर दरअसल मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ. मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ. बहुत अच्छा. और तुसी उन्होंने इंज किया, तुसी पीपल्स पार्टी वाला तीर लाया नाल. मगर आप ये ना कहिए, देखिए आपको पता नहीं, आपको इल्म नहीं है इन साहब का, ये सीरियस ले लेते हैं बात को. अच्छा जी जी. हाँ जी, मैं तो रोन ला पेना जी. देखिए मेरी बात सुने जैनब, इन शरीकों की बातों पर ना जाओ, मैं तो आपको पसंद करता ही हूँ. I don't blame you. I love you too. वैसे आपके वालिद साहब भी सियासत में थे और काफली के साथ गालिबन उनकी बहुत, he was mid minister in the काफली government as well. तो काफली की तरफ कोई रुझान नहीं हुआ? नहीं. क्यों? इन्होंने साइकिल ही चलाना अंदर. यार और वैसे भी खान साहब जो भी बात करते हैं वो सच पर मबनी होती है, लेकिन 10 महीने बाद नहीं. गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, तेरे डिनर के लिए एहतमाम क्या क्या है, स्वीट डॉल प्रिंसेस का बाबा की रानी, बता के तेरा फेसबुक पे नाम क्या क्या है, ये लूट मार करप्शन के चोर बाजारी, डीजे देख यहाँ पे लगाम क्या क्या है, क्या क्या है. हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਵੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਔਰ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਆਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ. वेलकम बैक टू मज़ाक़ रात. ज़ैनब ये बताइए, नाइस साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, तो कोई दिल को लगी आपको? ये तो आपने No, actually, I don't know how I feel about politics right now. बताइए ना, tell us, think and tell. मैं पहले PTI supporter होती थी. होती थी. मैं धरनों में पी गई. मैंने PTI को वोट डाला. मैं जब खान साहब हॉस्पिटल में थे, मैंने धांधली के वक्त भी उधर धरना दिया. अच्छा. लेकिन over the last couple of years, I've lost faith in all our political parties. Really? ये क्यों हुआ? सर ये क्या हुआ? मैं किसको सपोर्ट करूं? नियाजी साहब, ये तो इतना हार्डकोर आपका एक यूथ का वर्कर जो है, था मैं जो धरने में जाके और खान साहब के लिए हॉस्पिटल के बाहर भी खड़े रहे, और ये क्या हो गया एकदम? देखिए इनकी एक अपनी सोच है, इंसान की सोच है वक्त के तकाजे के साथ बदलती है फिर वापस आ जाती है. इंसान के जो मेमोरी है या इंसान का ये लाइफ, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वक्त जो है वो बहुत सारी सोचों को बदलता है, सोचों को मजबूत करता है. तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो अपने आइडियाज के ऊपर कितना खड़ा है या अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर. है कि आपका वोटर जो है वो इस टाइम पे उसकी सोच बदली हुई है, और ये टाइम अच्छा नहीं है सोच बदलने के लिए कि 3 महीने बाद इलेक्शन है. हमें पूरी उम्मीद है कि ये अपनी सोच को जो है वो नहीं, तो वो कैसे ये उम्मीद जो है इसके लिए कुछ करेंगे आप लोग, या वो हवाई फायर है कि वो अल्लाह करे बदल जाए उनकी सोच? नहीं जी, हम कॉन्क्रीट जो है इसके लिए क्या करेंगे मुझे बताए ना. वो साथ आपके एक ये बड़ा एक शिकवा है बाय द वे पीटीआई से बहुत से लोगों को होता है कि जो लोग कहते हैं कि जी चेंज हुई 2013 में वोट डालो, कहते हैं अब वो बात नहीं रही. एक बड़ा एक ग्रुप है चाहे छोटा हो, लेकिन ये सोचते हैं आपको भी इल्म होगा इस बात का. देखिए असल में आप समझते हैं ना, जब बहुत सारे लोग हैं कि चेंज क्या है, चेंज आपके अपने अंदर है, आपके इनर साइड. मतलब क्या वो बड़ी हो गई हैं? आप ये बताएं आप वोट क्यों नहीं डालना चाहती हैं पीटीआई को? मैं किसी को नहीं डालना चाहती. वोट ही नहीं डालना आपने? इस वक्त मेरा दिल ही नहीं चाह रहा किसी को वोट. ऐसा क्यों हुआ? अभी तो इलेक्शन, आई डोंट नो हु. 3-4 माह अभी, 3-4 माह में आपके ख्याल में उनका दिल तब्दील हो जाएगा? मुझे एक्चुअली नहीं पता कि लेसर इविल कौन है इस वक्त. कौन क्या है? लेसर इविल कौन है? लेसर इविल कौन है? बात लेसर इविल पे आ चुकी है. लेसर इविल की, लेसर इविल पे, और वो कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर तब्दीली आएगी और ये वोट डालेंगी. तो आप कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 3 महीने में उनका दिल चेंज हो जाएगा? देखिए आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, अपने आइडियाज पे यकीन हो जाए, अपने लीडर पे यकीन होता है तो फिर यकीनन हम समझते हैं कि हम इस चीज को चेंज कर लेंगे. वो लड़की पे भी यकीन है कि नहीं है कि हो जाएगी तब्दील? 3 महीने दिल चेंज हो जाएगा, साडे को एक डॉक्टर है 1.5 घंटे चेंज कर देगा. वैसे ज़ैनब आपकी शादी हो चुकी हुई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. हैं? ये नहीं सब आपकी हुई हुई है? मेरी दो हैं.
ठीक एक और करो पक्के पीटीआई दे बन दो यार तो सर आपको कैसा लगा इनके वो ख्यालात सुन के कि वो तो बिल्कुल शादी से भाग रही हैं कर लेंगे ये भी क्या 3 महीने के अंदर अंदर इनका ज़हन चेंज होगा मगर आप बताएं ना अपने एक्सपीरियंस से कन्विंस करें उनको चले वोट डालने पे तो नहीं कर सके शादी करने पे तो कन्विंस कर लें शादी ये कर लेंगी जब इन्हें अच्छा कोई दूल्हा नजर आया तो जरूर करेंगी अच्छा दूल्हा तो यानी कि मसला अच्छा दूल्हा ना मिलने का है मुझे तो यही लग रहा है आपको ये लग रहा है ज़ैनब क्या इनको सही लग रहा है किस्मत किसकी दूल्हे की आपकी दूल्हे की जागेगी दोनों की दोनों की दोनों की तो यानी कि इट्स अबाउट द गाय दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड द राइट गाय किस्मत की बातें होती है ना जब लिखी होगी जिसके साथ लिखी होगी सही गल जैसे लिखी होते ही आनी मगर वैसे मतलब इस तरह होता है ना कई बार होते हैं यू आर यू नो आप अपना ज्यादा करियर पे फोकस कर रहे होते हैं कई बार होता है कि आप स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो आपके साथ कौन सा मामला चल रहा है इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड का मसला है मैं इस वक्त काम कर रही हूँ मेरे दो खूबसूरत छोटे छोटे कुत्ते हैं जिनके साथ मैं बहुत खुश हूँ कुछ नहीं चाहिए एक तरफ वो कह रही है कि ना वोट डालना है ना शादी करनी है नए साहब और आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं नए साहब आपकी कितनी उम्र है 45 करो फिर ताड़ा ते बंदा ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ 3 ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਕਹਤੇ ਆਪ ਉਨ ਪੇ ਨਾ ਡਾਲੇ ਦੇਖੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅਭੀ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਲੇਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੇੜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹਾਲ ਥਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਂਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਰ ਜਰ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਰ ਜਰ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਰ ਜਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਲੇਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੂਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਕਦੀ ਹੈਲਮਟ ਤੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਦੀ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਹੈ आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे हो रहा है एडा तू शोगा कि की गल है क्यों नहीं हमारी जान छोड़ते पर तेरी जान की तू इफ्तिखार ठाकर के मेरी मंगेतर है तेरी जान नहीं छड़नी थाने में तेनों लै जाना तेज मैं तेन जुतियां उतो पवानी जिवें साइकिल चोर ने जुतियां पैंदियां पर साइकिल तू की पवानी है जुतियां जा कम कर जाके मरना ही मरना मरना ही ओ बैठ जा भलवान ओए बैठ जा थले तेनों सुनी ना बैठ जा मैं जानदा एक बारी मैं मुसीबत च सी अच्छा मझां लै के जा रहे हैं अगे नहर आ गई इन्होंने मोटे ते रख के नहर पार कराती मज कोई आपको दिमाग बहुत गर्म हो रहा है कढ़वा के थे ना एग्जॉस्ट वाला कि पटाका ना मार गए कैसा तेरा मुसवा क्रैश की कुहाड़ी वर्गा सेरा मरे गल करी जाने जैनब भी आई हुई है मैं फैन हूं ना मैं बहुत बड़ा हां तो वैसे आप कहें आई हुई हैं मैं तुहाडा बहुत बड़ा फैन है जी थैंक यू तुहानू बहुत लाइक करदा जी मैं तुहाडे ड्रामे मैं इंज वेखदा जिवें गरीब और धुप्पे बह के जुआ वेखदी है मैं अंग्रेजी बोल रहा तू अंग्रेजी ना बोल अंग्रेजी वो बोलते जिन्हें ताए चाचे बाहर दे मुलगे हुण तेरे सारे अंदर मैं तुहाड़ा जी बहुत बड़ा फैन है अच्छू जी अब बस करें आप और यहाँ से प्लीज चले जाएं खुदा के लिए चले जाएं ओ हाथ ना जोड़ पैसे जोड़ अच्छा जाए के लिए सारे भरा दे ब्याह दे लाले हैं
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਓ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਬਿਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇਗਾ ਮੈਂ ਕਈ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਰਾਣਾ ਮੈਂ ਦੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗੁੱਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜ ਦੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ تمہارے اس انکشاف کے اوپر بڑے ماں سے لگ گبر سنگھ اور تھاپر آمنے سامنے ابھی نہیں گبر سنگھ نہیں ہے ویلکم بیک ٹو مذاق رات نیازی صاحب آپ کی لو میرج تھی ارینج میرج تھی ارینج ارینج زبردست یہ دیکھیں آپ ایوی گھبرا رہی ہیں کیا آپ کیوں چل رہے سارے مزے کی بات یہ میں مجھے ابھی ریئلائز ہوا کہ کرکٹ بھی آپ کھیلتے تھے تو آپ تو خان صاحب کو باقاعدہ فالو کر رہے ہیں باقاعدہ کر رہا ہوں کرکٹ سے لے کے سیاست سے لے کے آگے تک کریں گے نا دو تسی اچھا ابھی بھی کریں گے آپ کی جو وائف ہیں وہ کس علاقے سے ہیں میاں والی میاں والی سے ہیں ووٹر بھی میاں والی کا سارا آپ کا جو سسرال ہے وہ بھی میاں والی میں ہی گھر بھی میاں والی میں میاں والی میں سب چیزیں میاں والی میاں والی کے باہر بھی کوئی بڑے شہر ہیں پاکستان کے کبھی برانچ آؤٹ کرنے کا کوئی یا ہماری کوئی اور برانچ نہیں اکثر و بیشتر لکھا ہوتا ہے نا مشہور ریسٹورینٹس کے باہر کہ ہماری کوئی اور برانچ نہیں تو وہ والا حساب ہے نہیں دنیا تو میں نے کہا خوبصورت ہے دنیا تو خوبصورت ہے مگر آپ کو خوبصورتی میاں والے سے آگے نظر نہیں آ رہی آپ کہتے ہیں تو دیکھ بھی دیں نہیں میرے نہیں میاں نہیں ہوئے صرف آصف علی زرداری رل مل کے سارے ایک ہو جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وفاق ہوئے گی اچھا پنجاب ہوئے گی مسلم لیگ لون نون لاؤنا تے انہوں نے لون ہی ہے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ تمہارے اس انکشاف کے اوپر بڑے ماں سے لگ گبر سنگھ اور ٹھاکر آمنے سامنے ابھی نہیں گبر سنگھ نہیں ہے امجد علی خان نیازی ہاں کدھر جا رہے نے کیوں تیار تین جی بیٹھے نہیں جا نہیں رہے آئے ہیں اچھا لے آئے نے میاں والی سے آئے ہیں ماشاء اللہ کانسی 74 جی میں بڑا کام کیتا ہوتے اچھا لو جس نے تحصیل لازم سن ہاں تہاڈی سیکورٹی کنے کیتی کنے کیتی میں تہاڈے کو پوچھ رہے تسی میرے کو یار اف کورس میاں افضل خان نیازی ہیں کون تم تو میاں جڑے والد صاحب سن شیر افغان نیازی بالکل دیٹ واز اے گریٹ مین بڑی خدمت کی انہوں نے پاکستان دی اتو ماشاء اللہ بچے بھی ایسا ہی نے صحت ویکھ رہے ہو ماشاء اللہ اہمیت نہیں نا کھان پین نال ہی ہوندا اپنی صحت کا خیال رکھ دے کیونکہ انہوں نے پتا بھی محنت کرنی تے نالے لوکاں نال محبت کرنی لوگ اینا پیار کر دے نال آئے ہائے 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 متے تے ویکھ لو آ پٹھا سوالیا نشان ایویں تے نہیں بنایا لٹ گری ہوئی ہے سارے دے پیچھے پوری تاریخ ہے اچھا ہسٹری جنوں انگریزی وچ کہندے نے جی سر تے ٹھیک جا رہا معاملہ تے اچھیاں تو گلاں کیتیاں نا ہوں شو تو باہر تین لے کے جانا ٹکر مار کے کن ٹا دینا ٹکر میں ماری جی میدان صاف نہیں ہوئے پائے ماشاء اللہ باجی پی ٹی آئی چ آ گئے
पूछ लो ना बाजी हो रही पीटीआई में नहीं वो एक्टर है ओ लॉर्ड ओ मैं सदके जावा ज़ैनब अहमद ज़ैनब अहमद सब इस्लामाबाद यस ओए ओए लॉर्ड आज कैसी गल रल गई जे क्या इधर अमजद खान साहब न्याजी साहब शेर अफगन साहब दे बेटे ते परले पासे अपना ओ नहीं नादी अफगन शाजी अफगन ओ उन्हां दा डायरेक्ट कीता ड्रामा इन्हां ने कीता सी जी बिल्कुल ओ मेरे बड़े फैन ने अच्छा नहीं नहीं मैं उन्हां दा बड़ा फैन हां बिल्कुल दिमाग मेरा हिल गया आई नो ते अपना डीजे नहीं आज ते मेरे को अपना फोन हैगा मैं मैडम नाल फोटो लेनी मैडम नाल नहीं अपना न्याजी साहब नाल अच्छा हां मैडम दी फोटो मेरे को पहले भी है अच्छा हां असी एक्टर दी तस्वीर लाई आंदी है ना क्यों मैं ते इना दा बड़ा फैन पूछ क्यों क्योंकि टीवी भी कर लेंदे ने हां थिएटर भी कर लेंदे ने हां फिल्म भी कर लेंदे ने आ रेडियो हुण मैं इना नु सिखाना अच्छा ठीक है चार मीडियम माशाल्लाह पूरे हो गए भाई जान इजाजत है बिल्कुल आ जाओ मैं तस्वीर की जांच दी है अच्छा 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 ओ मैं गाल करके तो भूल गया भी की गाल की थी तस्वीर हाँ तस्वीर माशाल्लाह सर एक तस्वीर दे दियो ते मैं छोटी करके ते अपने ड्राइंग रूम में चला बड़ी करके बड़ी भाईजन दी ते पहले बड़ी हूं यार हां ओ मैडम दी भी नाल तस्वीर लेनी अच्छा हां मैडम जी इजाजत है जी जी हैं आवाज से नहीं आई जी जी कह रही जी जी असल है ना जी असी है लाउड बंदे माशाल्लाह थैंक यू जी बड़ी मेहरबानी ओए होए होए ते मैं आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं तो इनमें से किसका स्केच आप बनाना चाहेंगी ताहिर शाह क्यों एंजल्स बनाऊंगी आई टू आई हार्ट अच्छा। बनाऊंगी वो बड़ा मजे का एक बन तुसी हाथ ते सही रखे करो इंज लगता तुम्हारे च बाबे आ गए ने वेलकम बैक टू मज़ाक रात जी हिना कुछ सुनाइए आज अपने मेहमान को अक्सर आपने देखा होगा अक्सर लोग बैठे होते हैं और टेबल बजा रहे होते हैं फिर पांव हिला रहे होते हैं मतलब उनको कोई ना कोई म्यूजिक जरूर चाहिए होता है तो इन्हीं लोगों के शौक को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन ने एक ऐसा मेज़पोश निकाला है जिसको अगर आप अपने मेज पर डालेंगे तो उसमें से डिफरेंट किस्म की म्यूजिकल आवाजें आएंगी जिस तरह से पियानो की आवाज ड्रम की आवाज इसके अलावा उन माहिरीन का यह भी कहना है कि वो फ्यूचर में ऐसा एक लिबास तैयार करेंगे इंसानों के लिए जिसको पहन कर आप दिल की धड़कन जिस्मानी दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर को मेजर कर बेगम ने धक्के ना लिबास पाना कि तेरे दिल च की है जरा सानू भी पता चले हां जी बेगम ने डंडे फड़ के कहना पाओ लिबास मेनू पता लगे तुहाडी टिंड किस वजह तो हुई हां जी अच्छा कपड़ा जी टेबल पे बिछाओ तो म्यूजिक सुन लो खामद को पहना दो तो गिदड़ कुड़ लग जाती यार इस कपड़े का डीजे नु बहुत फायदा होना क्यों नाल मुदिशन नहीं रखने पैने सिर्फ बुकल मारी उस कपड़े दी ते गांदे फिर दे अरे एक सेगमेंट है 2020 का मैं आपको सर कुछ सवाल पूछूंगा और उसके साथ मैं आपको ऑप्शंस दूंगा जिसमें से किसी एक को आपने चूज करना है एज योर आंसर ज़ैनब लेडीज फर्स्ट से स्टार्ट करें क्या कहती हैं आप ठीक है तो ज़ैनब बीबी ये बताइए इनमें से कौन बहुत अच्छी हैं कौन अच्छी हैं और कौन बस ठीक ही हैं तो जो तीन नाम आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान महविश हयात और मावरा हुसैन बहुत अच्छी कौन हुई महविश अच्छी हुई कौन हुई माहिरा और बस ठीक ही हैं मावरा माशाल्लाह ये जो इन्होंने आखिरी हाथ गिराया इससे आपको पता चला इनका जवाब कितना इंटेंस था ये बताइए कि आप एक फिल्म देखने जा रही हैं आपको दो टिकट से एक टिकट आपके अपनी है दूसरी टिकट आप किसी और को लेकर जा सकती हैं इनमें से किसके साथ आप जाना चाहेंगी जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं एहसन खान अहद रजा मीर अली जफर और फिरोज खान एहसन खान कोई खास वजह I just liked his acting in Odari. किस डायरेक्टर का काम आपको बहुत अच्छा लगता है किसका काम अच्छा लगता है और किसका काम बस ऐवें गल्लां बनियां हैं जो नाम आपके पास हैं वो है नदीम बेग जिन्होंने पंजाब नहीं जाऊंगी बनाई थी नबील कुरैशी जिन्होंने नाम आलम अफराद बनाई थी और बिलाल लशारी जिन्होंने वार बनाई थी तो किसका काम बहुत अच्छा लगता है नबील का किसका काम अच्छा लगता है नदीम और किसका काम बस ऐवें गल्लां बनियां ने वार वाले बिलाल अशारी साहब आपकी बस गल्लां ही बनियां हुई ने आपने स्केच बनाना है अगर आप एक स्केच आर्टिस्ट हैं तो इनमें से किसका स्केच आप बनाना चाहेंगी जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं आमिर लियाकत
मुबशर लुकमान और ताहिर शाह। ताहिर शाह क्यों? एंजल्स बनाऊंगी, आई टू आई हार्ट्स बनाऊंगी, वो बड़ा मजे का एक बन। तुसी हाथ ते सही रखे करो, इंज लगदा तुहाडे च बाबे आ गए ने। ठीक है जनाब, नियाजी साहब तैयार हैं? तो सर ये बताइए, आप भी फिल्म देखने जा रहे हैं और दो टिकट्स आपके पास भी थे, एक टिकट तो आपका अपना है, दूसरे टिकट पे आप किसी को भी साथ लेके जा सकते हैं, तो इनमें से किसको आप साथ लेके जाना चाहेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं, सबा कमर, नीलम मुनीर और रीमा। नीलम मुनीर। नीलम मुनीर, कोई खास वजह? सर मोहब्बतें सच्चियां ना। एज ए एक्टर वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एज ए एक्टर बहुत अच्छा काम कर रही है, जबरदस्त। सर ये बताइए, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसकी कॉल आए तो आप नहीं उठाएंगे और ना ही जवाब देंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक साहब और जहांगीर तरीन। तो किसकी कॉल आप फौरन उठा लेंगे पहले ये बताएं? देखिए शाह साहब हमारे डिप्टी, ठीक है चेयरमैन, बिल्कुल वो हैं आपके, तो शाह साहब ही कॉल फौरन उठा लेंगे जी। किसकी कॉल नहीं उठाएंगे मगर मैसेज पर रिप्लाई कर देंगे? जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब, और किसकी कॉल आप ना उठाएंगे ना मैसेज पर रिप्लाई करेंगे? खटक साहब। सर अब मैं आपको दो दो ऑप्शन देने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कि इनमें से आपकी प्रेफरेंस क्या है, राणा सनाउल्ला या फिर आबिद शेर अली। सर जनरल नॉलेज के ऊपर आना चाहेंगे आप? जनरल नॉलेज के ऊपर आना चाहेंगे, जबरदस्त। ये बताइए अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अलमशहूर सवाल जिस फैसले के बाद उठाया कि मुझे क्यों निकाला, ये वही फैसला था जिसके तहत जहांगीर तरीन साहब को भी नाहल किया गया, तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है इसका नंबर क्या है एग्जैक्ट? 62, 63, 62, 1F है ये। ठीक है चले सर आगे आते हैं, आसिफ जरदारी या फिर नवाज शरीफ साहब? जनरल नॉलेज में चले जाएं। फिर जनरल नॉलेज में चले जाएं। सर ये बताएं पाकिस्तान में अब तक कितने मार्शल लॉ लगे हैं? चार हैं। चार लगे, बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत सारी तालियां साहब के लिए। गणेश साहब थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग इलेक्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनब, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, आई होप यू गाइस हैड फन।